अब इसमें है दूसरा मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस में क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहला फिगर देख लीजिए। जब दो ठो एटम, नहीं ऐसे फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, जब दो ठो एटम ऐसे फॉर्म में रहेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इसका रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एन एटम्स इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। सिंपली हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग, TING सेपरेटिंग टू एडजेसेंट, ठीक, एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिक कॉम्बिनेशन, मेटालिक कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो दो ठो एटम को सेपरेट, न्यूक्लियर न्यूक्लियस को सेपरेट किया है, एक का न्यूक्लियर यहाँ पे है, न्यूक्लियस एक का यहाँ पे, तो ये दोनों को सेपरेट करने वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, नहीं ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस को हम लेट क्या मानेंगे, डी मेटालिक है तो एम माइनस एम, मेटालिक है ना तो एम डी एम माइनस एम, अथवा आप इसको जो भी एम भी मान सकते हो। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर एम हम लेट मान लेते हैं, ठीक, आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी एम माइनस एम बाय टू, ठीक। अथवा इसको आप यदि कैपिटल एम ही मानेंगे लेट, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय टू, यही आपका, ठीक।